हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंग्लैंड और डेनमार्क दोनों जगह का किंग बनने के बाद कनूट कैसे वो दोनों जगह में राज करता है, अपने राज के दौरान उस पे क्या चुनौतियां आती हैं और उनके लिए वो क्या डिसीजन लेता है, ये सभी चीजें हमें विलियन सागर सीजन 2 एपिसोड 11 किंग्स एंड स्वॉर्ड्स पर देखने को मिली। तो आज इसी एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ कनूट और रूल, जो पहले हेराल का गार्ड हुआ करता था पर जो हेराल की डेथ के बाद कनूट के सभी पर्सनल गार्ड का कैप्टन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रियल वेपन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो देख कनूट की बहन एस्टिड बड़ी चिंतित है, पर गुनार कनूट का असिस्टेंट ये देख बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वुल्फ को पता है कि वो क्या कर रहा है। जो सुन एस्टिड कहती है, ऐसा लग तो नहीं रहा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि मेरे भाई को तो शॉर्ट से नफरत थी। गुनार बोलता है, इंग्लैंड ने कनूट का रॉयल ब्लड जगा दिया है और वैसे भी किंग का स्ट्रांग होना जरूरी, तभी सभी लोग उसकी भी सुनेंगे। अब इतने देर तक कनू ट्रेनिंग में से थक कर हार मानने की सोच रहा होता है और वुल्फ उसे समझा रहा होता है कि लड़ाई से भाग जाना ही तुम्हारी सबसे गलत आदत है। जो सुन कनू वुल्फ को एस्टेट के नाम पर भटकाने का ट्राई करता है और वुल्फ भी भटक जाता है। फिर इसी दौरान कनू वुल्फ पर वार कर उसे हार मानने में मजबूर कर देता है, जहां कनू फाइनली वुल्फ को 5 राउंड में से 1 राउंड में हराने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद गुनार को कनू ने जो काम दिया था, गुनार उसे कम्प्लीट कर कनू को रूम में चलकर डिस्कस करने को कहता है। फिर उन दोनों की डिस्कशन शुरू होती है, जहां कनूट ने गुनार को सभी वेल्दी आदमियों के बारे में जानकारी लाने को कहा होता है ताकि उनसे वो पैसे ले अपनी आर्मी को चला सके, पर वेल्दी आदमियों से इतना पैसा नहीं निकल पा रहा होता है जिससे कनूट अपनी आर्मी को चला पाए। तो जहां गुनार सिविलियन पर टैक्स वसूल करने की बात कहता है और साथ ही कनूट को उन वेल्दी आदमियों में से एक आदमी केतिल के बारे में बताता है कि उसके पास बहुत बड़ा लैंड है साउथ में। जो सुन कनूट पूछता है कि हमारी कोई मिलिट्री या उनकी फैमिली क्यों नहीं है, गुनार ये तो देखकर ही पता चलेगा कहता है और कनूट इसके बारे में पता लगाओ और मुझे रिपोर्ट करना कहता है। फिर गुनार वापस टैक्सेस के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये थोड़ा टफ होगा सिविलियंस पर टैक्स लगाना, आपके किंग का क्राउन पहनते ही जो आम लोगों में विद्रोह का कारण बन सकता है। ये सुन कनूट बोलता है, ऐसा ना हो, यही राज करने का एक हिस्सा है, पर हमारे पास और भी कोई ऑप्शन होने चाहिए। अब हमें हिस्ट्री लेसन दिया जाता है और बताया जाता है कि इंग्लैंड का किंग बनने के बाद ही कनूट को एक बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी कि वो पैसा कहाँ से लाएगा अपनी फोर्स को चलाने के लिए, क्योंकि कनूट ने इंग्लैंड को जीतने के बाद भी डेनिश आर्मी का कंट्रोल अपने पास और इंग्लैंड में ही रखा था, जिस कारण उसे इंग्लैंड के लोगों पर टैक्स लगाने पड़े और वही कारण बना लोगों के कनूट पर असहमति का। और अगर कनूट को डेनिश आर्मी अभी भी इंग्लैंड में चाहिए तो उसके पास दो ही ऑप्शन है कि वो डेनमार्क से भी टैक्स वसूल करे और अपनी आर्मी को चलाए या फिर अपनी आर्मी को छोटा करे। अब वापस प्रेजेंट में आते हुए कनूट अपने ऑप्शन के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि ऑलैंड को अपने कंट्रोल में लेना, उन्हें कब्जाते हुए ताकि उसे लोगों का भी साथ मिले और उन पे टैक्स लगाने की जरूरत भी ना आए। ये बात सुन गुनार आर्मी को छोटा करने की बात कहता है, पर कनूट इस बात को मना करते हुए कहता है, मुझे इंग्लैंड पर अपना हक जमाए रखने के लिए आर्मी की जरूरत होगी। वैसे भी एक किंग स्वॉर्ड की तरह होता है जिसे अपने आप को वर्ल्ड में साबित करने के लिए आर्मी की जरूरत होती है। अब आता है विलियन सागर इंट्रो और इंट्रो के बाद दिखाया जाता है पोर्ट का सीन, जहां केतिल बहुत सारे गिफ्ट लाया है किंग हेराल्ड के लिए, पर थॉरगिल उसे बताता है कि किंग हेराल्ड अब नहीं रहे और अभी कनूट ने उनकी जगह संभाली है। जो सुन केतिल दुख में चला जाता है और थॉरगिल को कनूट से मीटिंग करवाने को कहता है, क्योंकि थॉरगिल कनूट के पर्सनल बॉडीगार्ड में से एक है। ये बातों के बाद केतिल अपने सहायक से उल्मर के बारे में पूछता है, वो बताता है कि उल्मर पहले ही अकेला निकल गया है। ये सुन केतिल घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो अब किसी से भिड़ रहा होगा। अब केतिल की बातों को सही साबित करते हुए नेक्स्ट सीन आता है, जहां उल्मर किसी से भिड़ रहा है और उसने एक मर्चेंट के कालीन को कीचड़ में गिराकर उसे खराब कर दिया है और उसे ही बुरा भला बोल रहा है अपनी तलवार से उसे डराते हुए। लेकिन इतनी देर तक वहां केतिल पहुंच जाता है और उल्मर को एक मुक्का देते हुए उस मर्चेंट को उसके कालीन के पैसे देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ उस मर्चेंट बच्चे का पिता आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये मर्चेंट का पिता और कोई नहीं लीफ एरिक्सन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन पर, जहाँ ये चारों खाना खा रहे हैं और इसी दौरान पता चलता है कि ये एरिक्सन का अडॉप्टेड चाइल्ड है जिसका भी नाम थॉरफिन है और जिसे प्यार से बगाइस कहते हैं। थॉरफिन नाम सुन केतिल अपने फार्म वाले थॉरफिन के बारे में बताने लगता है। जो सुन एरिक्सन उससे थॉरफिन के बारे में और जानकारी लेता है और कन्फर्म करता है कि वही थॉरफिन है जिसे वो ढूंढ रहा था। एरिक्सन की इतनी जानकारी लेते केतिल उसे सब कुछ पूछता है और एरिक्सन उसे बताता है। अब एरिक्सन के थॉरफिन के बारे में कंफर्म होने के बाद वो अपने नाव के पायलट के पास जाता है और उसे केतिल के साथ उसके फार्म में चल थॉरफिन को लेके आने की बात करता है, पर वो पायलट वहाँ जाने में बहुत दिन लगेंगे और वो थॉरफिन है भी या नहीं कहते हुए एरिक्सन को मना कर देता है। अब आता है केतिल और कनूट के मीटिंग का सीन, जहाँ कनूट ने मीटिंग की बात के लिए 2 दिन में ही हाँ कर दी है और उन्हें बुला लिया है और अब मीटिंग में
केतिल अपने गिफ्ट की बात करते हुए कनूट का शुक्रिया करता है उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, जहाँ कनूट भी अपने फादर और ब्रदर की तरह उसे मदद करने के लिए हाँ करता है। पर इसी दौरान ओलमर चिल्लाते हुए कनूट की पर्सनल गार्ड में अपने भाई के साथ ज्वाइन करने की बात करता है और तलवार निकालकर स्किल दिखाने को कहता है। पर केतिल ये देख उसे किंग के सामने तलवार नहीं निकालते बोल उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देख कनूट ओलमर को स्किल दिखाने को कहते हुए उसके सामने एक बुना हुआ पिग लाता है और उसे दो हिस्सों में काटने को कहता है। फिर जब ओलमर उसे काटने जाता है तो एज एक्सपेक्टेड ओलमर उसे नहीं काट पाता है। ये देख कनूट उसे रोकता है और बोलता है कि वो गार्ड कैप्टन से पूछकर बताएगा कि उसका ज्वाइनिंग एक्सेप्ट हुआ या नहीं। कुछ दिनों के बाद अब एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ केतिल बड़े दुख में है और थोरगिल ओलमर को हमारी फैमिली को ऐसे एम्बेरेस ना किया करो कहते हुए बोलता है, जो जितना बुजदिल आदमी होता है उसका उतना ही कम प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है। अब आता है कनूट गुनार और गार्ड कैप्टन वुल्फ की बातचीत का सीन जहाँ वुल्फ ओलमर की ज्वाइनिंग के लिए मना करता है गार्ड कैप्टन के तौर पर, लेकिन ऐसे लोग बहुत काम आ सकते हैं बोलता है। ये सुन कनूट बोलता है ये एक टिपिकल यंग नॉर्स है जो मूर्ख है और हमें पता है कि ये कैसे काम करेगा, ये बहुत काम आ सकता है और यही हमारी अपॉर्चुनिटी है कि लोग पीस में रह सकते हैं और जिस कारण उन्हें प्राइस पे करना होगा। केतिल का फार्म फर्स्ट होगा जहाँ से हम लैंड कब जाने की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट नेक्स्ट एपिसोड और लॉस्ट लव की झलक दिखाते हुए। ओके फिर दोस्तों ये वीडियो यही पूरी होती है। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ।